अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट, मैं तौसीफ़ रहते। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के डिग्री कॉलेज में। नाज़रीन, आपको मैं बता दूँ कि आज नेशनल यूथ सपोर्ट डे मनाया जा रहा है और मेरे पीछे आप पहले देख सकते हो विजुअल्स में, यहाँ पे आज यूथ सपोर्ट डिपार्टमेंट में डिग्री कॉलेज अनंतनाग में यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। फिलहाल जो यहाँ पे अभी अभी कबड्डी का एक फाइनल खेला गया जो दयालगाम और ब्रागपुरा हायर सेकेंडरी के दरमियान खेला गया, तो उसमें दयालगाम हायर सेकेंडरी ने अपनी जीत दर्ज की। जो इस डे पर जो थीम रखी गई है इस नेशनल डे पर, वो यही रखी गई है कि जो मेंटल हेल्थ है बच्चों का, वो इन सपोर्ट्स एक्टिविटीज से ही ठीक हो सकता है, क्योंकि अब बखूबी वाकिफ है कि पिछले 2 सालों से सपोर्ट्स एक्टिविटी या खासकर यूथ सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो कम हुई, और इस साल अगर के अभी जोनल लेवल्स पे एक्टिविटियाँ स्टार्ट हुई है, मगर अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी तक एक्टिविटियाँ स्टार्ट नहीं हुई है। और आज जो ये डे यहाँ पर ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो भी मौजूद है, और यहाँ पर और जो आने वाले गेस्ट्स हैं, कोशिश अब हम यहाँ पर खिलाड़ियों से भी बात करने की करेंगे और जो यहाँ पर मेहमान होंगे उनसे भी बात करने की। नौकरी पन्नी सिख इंसाफ कर जी, नौकरी पन्नी सिख इंसाफ कर जी, खुदा सुन खौफ दिलस मज प्रसाद थी, गरीबन यतीमन हुन हक इतन खेक जा, तकबर इतन पानस पे करे जा। जी सर, मेरा नाम है फैजान नबी, मैं दयालगाम हायर सेकेंडरी से बिलोंग करता हूँ, और यहाँ पे जो हमारा टूर्नामेंट था इसमें खाली दो ही चीज़ है कि अगर हमें बंदे को पुश करना है तो हमें देख के चलना पड़ता है, क्योंकि आगे से लाइन होती है, ऊपर से बंदा तगड़ा होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि बंदे के पास जाना पड़ता है, पहले उसकी मोशन देखनी पड़ती है हमें कि ये किस वेव से आएगा। मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट बॉयज़ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ब्रागपुरा अनंतनाग, मेन जो हायर सेकेंडरी अनंतनाग की, वहाँ उस हायर सेकेंडरी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज और ऊपर से नेशनल सपोर्ट डे था, तो इसी दिन पर हमारा कबड्डी मैच हुआ तो बहुत अच्छा लगा। इसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ अपने जोनल लेवल के जोनल अफसर की तरफ से जो मुझे ये अवार्ड मिला है। मुश्ताक दयालगाम हायर सेकेंडरी से दयालगाम, और मैं जीत की खुशी कर रहा हूँ। पहले हमारे मुश्ताक सर, कोच और इसहाक सर, इनका शुक्रगुजार हूँ पहला कि इन्होंने हमारी प्रैक्टिस की दयालगाम में, हमारी प्रैक्टिस की और हमारे यहाँ पर आज फाइनल जीत लिया। कि हम बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि यहाँ पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, तो ये इससे ज़्यादा फख्र की क्या बात हो सकती है कि पूरे यूटी में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग ने ये मनाया है, तो मैं इसका पार्ट बना हूँ, तो इससे मेरे लिए फख्र की बात है। ये कहेंगे कि अगर इसमें कुछ कमियाँ रही होंगी तो ये पहली बार था, तो इंशाल्लाह आगे भी जब भी होगा वो वेल डिसिप्लिन हो, वेल कोऑपरेटिव हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये 29th of August मनाया जा रहा है ऑल ओवर द इंडिया, तो ये हमने जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में ये जो आज की जो तकरीब है, ये फंक्शन है, ये फर्स्ट टाइम हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मनाई है। ये हमने जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, हमने 14 अंडर 17 अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, जो भी हायर सेकेंडरीज थे उन्होंने पार्टिसिपेशन की है, जून से उन्होंने अपने अपने टीम, हम इसके बाद इंटर जोनल टूर्नामेंट्स हम मुनक्कद कर रहे हैं जो कि अभी हफ्ते भर में ही वो चालू हो जाएंगे।